हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू माय चैनल दी टैरोट वाइब। सो गाइस, आज हम आपके लिए देखने वाले हैं आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। सो ये रीडिंग होने वाली है 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक। इसमें आपके पार्टनर आपके लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं, क्या एनर्जी होगी आपकी और आपके पार्टनर की। सो गाइस, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम ये रीडिंग देखेंगे। एंड ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपकी सन मून राइजिंग स्कॉर्पियो है यानी कि वृश्चिक राशि है, सो ये रीडिंग आपके लिए है, ज़रूर देखिए। ओके, सो आई एम स्टार्ट करते हैं। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, आने वाले 15 दिन कैसे रहेंगे इनके लिए। थ्री ऑफ स्वॉर्ड, द डेथ कार्ड, टू ऑफ वॉन्ड, की, टेन ऑफ वॉन्ड। आपके पार्टनर के लिए क्या एनर्जी है, टू ऑफ वॉन्ड, सेवन ऑफ वॉन्ड, द स्ट्रेंथ, द स्टार। आई होप सभी को विजिबल है कार्ड्स। सो स्कॉर्पियो, अगर आपके लिए हम फर्स्ट वीक देखें, सो गाइज आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव दिखाई दे रहा है ओवरऑल फर्स्ट वीक। यहाँ पर कोई आपको फॉलो कर रहा है, दूर से हो सकता है कि आपको कोई फॉलो कर रहा है या आपको कोई परेशान कर रहा है, बिकॉज यहाँ पर कोई ऐसा नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ है जो बहुत टाइम से आपको फॉलो करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, फॉलो करते हुए मुझे दिखाई दे रही है, जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है। एंड यहाँ पर आप उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं। एंड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो कोई पास्ट के पर्सन हो सकते हैं, कोई आपके एक्स पर्सन हो सकते हैं, जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड कहीं ना कहीं आप अपनी आपकी लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे, कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव है सिचुएशन में इस वक्त हो। सो गाइज, आपके लिए ये ओवरऑल जो फर्स्ट वीक होने वाला है बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप बहुत ज़्यादा बिट्रेल फील कर रहे हो। ऐसा कोई पर्सन है गाइज जिन्होंने आपको बिट्रेल किया है एंड वो आपके पास अब फिर से आना चाहते हैं। बहुत बहुत परेशान थे आप उनके साथ जब भी थे पास्ट में, एंड अब आपने उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन किया है, बट वो पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते। एंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके कि जो भी वो पर्सन थे जो जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, वो पर्सन आपकी तरफ वापस आने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। एंड आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है इस वक्त, बहुत ज़्यादा आप परेशान होते हुए मुझे फर्स्ट वीक में दिखाई दे रहे हो। एंड अगर आपके पार्टनर के लिए हम फर्स्ट वीक देखें, सो गाइज आपके पार्टनर कहीं ना कहीं दूर से आपको फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ नए प्लान्स ज़रूर कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, आपको किस तरह से कॉन्टैक्ट करें इन सारी चीज़ों की बहुत सारी प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए उनकी लाइफ में दिखाई दे रहे हैं, उनके करियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल शुरू है। एंड आपकी तरफ वो कैसे आए, आपसे कैसे मिले, आपसे कैसे बात करें, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। बट यहाँ पर किसी भी तरह से वो कम्युनिकेट तो फर्स्ट वीक में आपको नहीं करते हुए दिखाई दे रहे, बस सोचते हुए ज़रूर दिखाई दे रहे हैं आपको, कम्युनिकेट करेंगे। बट उनकी लाइफ में करियर वाइज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल शुरू है इस वक्त, बहुत ज़्यादा परेशान है आपके पार्टनर। एंड यहाँ पर अगर आपके लिए हम सेकेंड वीक देखें, सो आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हो, अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाहते हो, इन सारी चीज़ों से आप बाहर निकलना चाहते हो। बट जो भी
पास्ट की चीज़ें थी वो आपको फिर से आप अपनी तरफ खींच रही है, या फिर कह सकते हैं वो पर्सन आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं। सो गाइज आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो, बिकॉज़ यहाँ पर आपका करियर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भरा इस वक्त है, स्ट्रगलफुल चल रहा है, बहुत ज़्यादा अपना आप करियर में स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, फाइनेंशियल वाइज बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं आप इस रिलेशनशिप से भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हो, इस पर्सन से बहुत ज़्यादा परेशान हो जो कि आपको फॉलो कर रहे हैं, या फिर अपनी तरफ आपको आने के लिए फिर से बोल रहे हैं, या अपनी लाइफ में फिर से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। सो इनकी वजह से भी आप थोड़े से परेशान दिखाई दे रहे हो, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो, परेशान हो। सो गाइस आपके लिए स्कॉर्पियो ये दोनों वीक बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड अगर आपके पार्टनर के लिए हम सेकेंड वीक देखें, सो गाइस आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ नई प्लानिंग कर रहे हैं, वो आपके सामने कुछ अच्छा बनना चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ। बट यहाँ पर उनकी जो भी प्लानिंग्स है, जो भी चीज़ें हैं, वो इस वक्त तो वर्कआउट होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड करना चाहते हैं, बिकॉज़ उन्हें ये चीज़ें फील हो रही है कि आप उनकी वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, बहुत ज़्यादा परेशान हुए हो, एंड वो अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हैं, आपके काबिल बनाना चाहते हैं, बट वो इस वक्त कर नहीं पा रहे हैं। कोशिश ज़रूर कर रहे हैं आप सब कुछ अच्छा करने की, आपके साथ वापस रहने की, बट वो इस वक्त बहुत सारे एक्शंस लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे। सो हम देख लेते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। सो गाइज़ यहाँ पर आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, और वो कोशिश ज़रूर कर रहे हैं आपकी तरफ आने की, आपको कम्युनिकेट करने की। सो गाइज़ कोई पास्ट पर्सन है जो आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, या हो सकते हैं आपके कोई एक्स पर्सन हो जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, एंड वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं जी ज़रूर। सो गाइज़ आपके पार्टनर चोरी छुपे ही सही वो आपकी तरफ आना ज़रूर चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। एंड गाइज़ आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, इन 15 दिनों में आपके पार्टनर आपको किसी भी तरह से कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे, बिकॉज़ यहाँ पर आप जिनके साथ नहीं रहना चाहते, जिनसे बात नहीं करना चाहते, ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा श्योरिटी है कि ये कोई आपके पास्ट पर्सन हो सकते हैं, कोई एक्स पर्सन हो सकते हैं। ओके गाइज़ अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़, बाय।